आशीष जी, एक बहस है कि भाई रेबड़ी, एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी है उस पर, उसको रेबड़ी बोलो, गजक बोलो, मुरमुरा बोलो, चाहे जो बोलो, लेकिन एक मुकदमा है। अब मेरा प्रश्न ये कि क्या पेंशन को हम फ्रीवीज में रख सकते हैं, रेबड़ी मान सकते हैं? जहां तक मुझे समझ आता है, फ्रीवीज का मतलब ये कि अचानक से किसी के लिए कह दिया कि भाई इस वर्ग को 5 किलो घी देसी देंगे खाने के लिए। क्यों? बोले देंगे, तो फ्रीवीज है। किसी को मंगलसूत्र देंगे, किसी को रंगीन टीवी देंगे, किसी को स्कूटी देंगे, किसी को लैपटॉप देंगे, किसी को मोबाइल देंगे, किसी को, तो ये मुझे लगता है ये फ्रीवीज हैं। किसी को बिजली मुफ्त, किसी को पानी मुफ्त। लेकिन पेंशन तो जहां तक मैं समझता हूं 60 साल काम करने के उपरांत बनी एक हकदारी है। आशीष जी, निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो भी हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी, यहाँ समझने की जरूरत है कि पेंशन क्यों दी जा रही है, इसको समझना जरूरी है। पेंशन उस व्यक्ति को दी जा रही है जो उम्र के उस पड़ाव में आ जाता है जब वो कहीं और कुछ कमाने की स्थिति में नहीं रहता है, क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो जाएगा, कहेगा कि अपना कुछ काम कर ले। लेकिन एक माना जाता है कि 60 साल के बाद तो उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार की, अपने बच्चों को शादी करना है, जो भी उसने सेविंग करी होगी उस तरीके से वो, और अपने जो जीवन के अंतिम, जो उसके मान के चलिए एवरेज हम 75 लेते हैं, तो 15 से 20 साल जो उसकी जो जिंदगी है, जो बुढ़ापा है उसका, और जो कि आज न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग रह रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे आदमी को बिल्कुल लाचार बेबस छोड़ना केवल ये दुहाई दे करके कि नहीं हमें अपना जो, अरे आप क्या जितनी खर्चे बाकी कर रहे हैं क्या वो कम नहीं कर सकते? ठीक ठीक आशीष जी, एक आरंभिक टिप्पणी सबसे ले लें। सुधा जी, यही प्रश्न आपसे, क्या पेंशन को फ्रीवीज की तरह माना जा सक, माना जाना चाहिए, या फ्रीवीज अलग है और पेंशन अलग? जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपने, मैं एक उदाहरण से बात करना शुरू करूंगी। मान लीजिए कि मेरे पापा के पास 2 बेटे हैं और दोनों बाहर जॉब कर रहे हैं, चले गए घर छोड़ के, लेकिन पिता के पास नौकरी होने के बाद भी पेंशन नहीं है। अब उनकी जो रोज की जरूरतें हैं, आदमी सरकारी नौकरी क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसको मालूम है कि नौकरी होगी तो हमारा बुढ़ापा कम से कम पेंशन के बहाने कट जाएगा। नौकरियों में अगर बनाया गया था तो कुछ सोच समझ के बनाया गया था। इसीलिए जो हमारे 60 साल के बाद बुजुर्ग लोग थे या हैं या होने वाले हैं, चाहे आप या मैं जानती हूँ कि 60 साल के बाद मैं अपना हर वो काम जो इस समय कर पा रही हूँ तब नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है तो मेरे साथ कोई क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है। तो मेरे ख्याल से हमेशा देखिए, पेंशन से सिर्फ आप अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से बिता सकते हो, आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जिंदगी भर काम किया हुआ है, आप किसी से एहसान नहीं ले रहे हो। आपको पेंशन, आप किए गए जो कार्य हैं, जो आपने सरकार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, जिले के लिए या फिर शहर के लिए किया है, उसके किए गए काम का आपको सिर्फ उपहार नहीं है, वो आपको अपने काम का सिर्फ 1%, 2%, 3% मिल रहा है, मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। पंडित जी, मनोज पंडित जी, जब वो संयुक्त परिवार थे, ठीक ना, भारत में, और सामूहिकता और सामाजिकता बहुत थी भारत में, ठीक, घर अपने घर छोड़ो, हम पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देते थे। अब तो वैसा कुछ रहा नहीं, अब तो फ्लैट सिस्टम है भैया, बगल के फ्लैट में हत्या हो जाए, वो श्रद्धा आफ्ताब का देखा था, काट के 6 महीने फ्रिज में रखा रहा, पड़ोसी जान नहीं पाया, ठीक। उस दौर में बुजुर्ग कहां जाएगा भाई? उसको उसने अगर सेवा की, और ये पेंशन की व्यवस्था कोई नई तो है नहीं, और जो नई पॉलिसी का विवाद है, अगर जिनको पेंशन मिलनी है वो लोग इस नई पॉलिसी के हक में नहीं है, तो इसमें क्यों अड़ना? अगर भारत के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था मंजूर है तो उसी पर क्यों नहीं चले जाए? आखिर देश के आधा दर्जन राज्य वापस चले गए। मनोज पंडित जी, नहीं नहीं, अब ये तो चूंकि स्टेट की अपनी पॉलिसी है, किस स्टेट में कौन से वो क्या इसको लागू करें और ना करें,
पर भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि भाई पेंशन स्कीम जो है बंद, अब जो जितनी भी नई भर्तियां होंगी या चीजें होंगी उनमें पेंशन स्कीम बंद होनी चाहिए जी। और मेरा मानना यह है कि जब आप ठीक है हम जो पैसा पेंशन में दे रहे हैं वो पैसा अगर देश के विकास में लगाएंगे तो हमारा देश जल्दी से तरक्की करेगा और चीजें बढ़ेंगी आगे। आप ये देखिए कि जो स्थिति आप, चूंकि कुछ लोग तो सिर्फ पेंशन की वजह से ही सरकारी नौकरी ढूंढनी है कि सरकारी नौकरी इसलिए करनी है कि भाई ठीक है इसके बाद पेंशन मिलेगी या चीजें मिलेगी, तो मेरा मानना है कि टैलेंट पैदा किया जाए और जो शिक्षा नीति बदली गई उस शिक्षा नीति में यही तैयारी की कि पहले बच्चा बारहवीं के बाद और चीजों को लेके आता था, अब हम वही आठवीं के बाद ही उसे प्रैक्टिस और चीजें स्टार्ट कर दी गई कि भाई ठीक है तुम आठवीं करोगे तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, चीजें मिल जाएंगी और आप आर्थिक रूप से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है मनोज जी। अब मैं चलूंगा उन दो लोगों के पास जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक टिप्पणी मैं जरूर करूं कि अगर ये एक तर्क होगा कि इस सरकारी नौकरी में आदमी पेंशन के चक्कर में आता है, ये तर्क इसलिए ठीक नहीं। एक तो ये करोड़ों लोगों के सम्मान आत्मसम्मान पर भी चोट करता है, और दूसरी बात भारत की सेना भी पेंशन पाती है, क्या सेना में कोई ये 10-5 हजार रुपए पेंशन चक्कर में आता है प्राण देने के लिए? नहीं। अभी मनोज भाई, अभी हम भारत के संभ्रांत वर्ग के घरों में जाएं और उनसे कहें तुम्हारे लड़के को परमानेंट पेंशन मिलेगी, सेना में भेज दो, वो हमको लाठी से मारेंगे, कहेंगे हमारा लड़का मरवाओगे हैं, भगो यहां से। क्या वो सेना में जो आदमी लेह में लद्दाख में पोस्टेड है, फेफड़े गला रहा है, प्राण दे रहा है, वो 10-20-50 हजार की पेंशन के लिए है? या कल को कोई ये भी बोल सकता है कि नहीं वो उसको कैंटीन से एक बोतल रम की मिल जाती इसलिए सेना में गया? नहीं ना, हम आपको 10 बोतल दे दें रम की महीने में, आप सेना में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। सेना में कौन है? गरीब का लड़का है। एक दूसरी बात मैं कहूं, राजनेताओं को एक दिन की सदस्यता हो मिल जाए विधानसभा की, विधान परिषद की, राज्यसभा की, लोकसभा की, जीवन भर भयंकर पेंशन के अधिकारी, उससे भी बड़े भयंकर भत्तों के अधिकारी, वो क्या सोच के आते हैं? वो देश आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं? नहीं ना, अब तो लड़ाई होने नहीं आजादी की, अब तो आजादी की लड़ाई नहीं हो रही ना, वो किस लिए आ रहे फिर विधायक बनने? इसी के लिए कि जब तक रहेंगे तब तक दूसरी व्यवस्था और उसके बाद सरकारी व्यवस्था? नहीं, इसी भाषा नहीं, बड़ा इससे रोष पैदा होता है। विजय जी, अब हम आते हैं हिमाचल पर। हिमाचल की चर्चा नहीं करने आए, हिमाचल के जरिए चर्चा करने आए हैं। क्या आपको लगता है, आप पूरे देश में घूमते हो, कि अभी 10-12 राज्यों में चुनाव होना है लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, बड़े राज्य भी है, क्या आपको लगता है कि आप ओपी हिमाचल के उदाहरण ने समझा दिया कि ओपीएस के मामले में पार्टियों को और ज्यादा संजीदा होना होगा और कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करना होगा, ऐसा आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा जी कि हिमाचल का जो रिजल्ट आया है, तमाम सारे फैक्टर होंगे, मैं नहीं मानता कि एक ही फैक्टर था, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैक्टर पुरानी पेंशन था और उसने अपने प्रभाव को दिखाया है। अगर वहां के टोटल वोट बैंक की बात करें तो 53 लाख से ज्यादा वोटर रहे हैं वहां पर, और उसमें अगर हम 2.5 से 5 को ही मल्टीप्लाई करें तो 12.5 लाख के आसपास हम जाते हैं। और लोगों ने, मुझे खुशी इस बात के लिए है कि हिमाचल में मुद्दों के लिए लोग लड़े, सब कुछ छोड़ करके विचारधारा, पार्टी, नेता और मुद्दों पर खड़े रहे। मैं हिमाचल के साथियों के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपने मुद्दे के लिए काम करते रहे। और मेरा किसी पार्टी से विरोध और समर्थन नहीं है। अगर हम हिमाचल में हम मांग रहे हैं पुरानी पेंशन तो भाजपा थी, हम अगर बिहार में मांग रहे हैं तो वहां पर नीतीश कुमार जी हैं, हम अगर झारखंड में मांगे तो वहां झाविमो था, हम तो सभी सरकारों से मांग कर रहे हैं, कोई बीजेपी अकेले से नहीं मांग रहे, जो भी सरकारों में उनसे मांग रहे हैं। और निश्चित रूप से आपने जो बात कहा
कि आने वाले समय में इस बात को सरकारों को समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारे आज सम्मान स्वाभिमान का मुद्दा है, हमारे जीवन मरण का प्रश्न है और हमारे बुढ़ापे की लाठी है जिसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं, हम सभी सरकारों को निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया जा रहा है। और हिमाचल ने वो परिणाम दिखाया, पूरे देश के अंदर जो प्रक्रिया आ रही है, पूरे देश के लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है कि हम अपनी बात कहेंगे और अपनी बात मनवाएंगे। रही बात पोस्टल बैलेट का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले कभी भी चुनाव में शिक्षक कर्मचारी कभी इशू रहता नहीं था, इस मुद्दे ने पूरे देश के अंदर एक रूपता लाई और एक साथ लोग खड़े हुए और इसने एक राजनीति मुद्दा, ये लोग कह सकते हैं हमारे लिए राजनीति मुद्दा नहीं है, हमारे लिए तो हमारी आत्मनिर्भरता का, जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारी जो पुरानी पेंशन है वो आत्मनिर्भर का सबसे बड़ा हथियार है और उसी को खत्म कर दिया गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जब आत्मनिर्भरता का नारा दिया जा रहा है उस दौर में हम इसको छोड़ दे रहे हैं। रही बात, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि सेना में लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि उन्हें 10,000 रुपए 20,000 रुपए मिलते हैं, इसलिए नहीं जाते कि पेंशन मिलती है, वो देश की सेना में अपनी देश की रक्षा के लिए जाते हैं। जिस दिन अपनी वेतन के बारे में, अपनी पेंशन के बारे में सोच लेंगे, शायद बहुत सारे लोग घरों में अपने संपन्न है लौट आएंगे, लेकिन उनके अंदर जज्बा इस बात का रहता कि देश हित के लिए हम जा रहे हैं और देश की कुर्बानी के लिए अगर हमें जान भी देना पड़े, और दिया है। एक बात, जब पुरानी पेंशन का कोई विरोध करता है तो मुझे लगता है कि कोरोना टाइम को काल भूल गए हैं, जब सरकारी कर्मचारियों ने इस देश प्रदेश और मानवता को बचाने का काम किया है। आज भी हमारा अर्धसैनिक बल जी ठीक है, बंधु अभी रुकिए, अभी रुकिए।